हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप ऑल आर वेल। सो वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विन अवनी अनिता। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हमारे चैनल ट्विन अवनी अनिता को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। तो चलिए हम आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि आज है चंपा षष्ठी व्रत। तो हम इस व्रत के बारे में, जो भी इसकी शुभ तिथि है, इसमें क्या होता है, किसकी पूजा की जाती है, इस बारे में हम इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जो भी कुछ मुझे पता है, जैसा भी, हम तो ये पूजा नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, जो भी मुझे पता है वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह व्रत कब आता है। तो यह व्रत अघन माह या मार्गशीर्ष माह के षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। उस दिन चंपा षष्ठी व्रत मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन पूजा पाठ करने से हमारे सभी पाप जो है वो मिट जाते हैं। पंचांग के अनुसार चंपा षष्ठी व्रत जो है वो 28 नवंबर दिन सोमवार को दोपहर 1:35 से हो रहा है। उसका जो प्रारंभ है वो 28 नवंबर मतलब कल से प्रारंभ हो चुका है। यह तिथि अगले दिन 29 नवंबर मंगलवार को सुबह 11:04 पर समाप्त हो रही है। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार चंपा षष्ठी का व्रत 29 नवंबर मंगलवार को मनाया जाएगा। चंपा षष्ठी का शुभ मुहूर्त मैं आपको बता देती हूँ। तो यह शुभ मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त, उत्तम मुहूर्त जो है उसका, वह है सुबह 6:45 से सुबह 8:05 तक। फिर उसके बाद यह है प्रातःकाल का। उसके बाद है जो उन्नति मुहूर्त है वो है दोपहर 12:06 से दोपहर के 1:26 तक। और तीसरा मुहूर्त भी है जो कि सर्वोत्तम मुहूर्त है, वह है दोपहर 1:26 से दोपहर के 2:46 तक। तो इन तीन मुहूर्तों में आप अपनी पूजा विधि कर। चंपा षष्ठी के दिन, आज के दिन विशेष रूप से जो भगवान खंडोबा जी हैं उनकी पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन को उत्सव के रूप में मनाया जाता है। बता दें कि अघन माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन चंपा षष्ठी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव की के मार्कंडेय रूप, जो शिव जी का मार्कंडेय रूप होता है, उनकी पूजा की जाती है। भगवान खंडोबा को भी शिव जी का ही अवतार माना गया है। राष्ट्रीय परिवार में चंपा षष्ठी के कुल धर्म कुलाचार में खंडोबा की तल्ली आरती का विशेष महत्व है। इस दिन मल्हारी मार्कंडे को नए बाजरे, बैगन, लहसुन, प्याज और गुड़ का नैवेद्य लगाया जाता है। तल्ली आरती के वक्त यलकोट मल्हार का जय घोष किया जाता है। खंडोबा मूल रूप से कर्नाटक के देव हैं, जो कर्नाटक का जो एरिया है वहाँ पे ये देवता, मतलब देव माने गए हैं खंडोबा जी। कानपुर में येलू यानी सात और कोट यानी कोटी मतलब करोड़, तो 7 करोड़ की संख्या में हमारे धन धान्य संपत्ति हो, ऐसी मांग इसके पीछे है। खंडोबा की सेना 7 करोड़ रही, इसलिए तल्ली आरती करते वक्त यलकोट मल्हार कहा जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार यह जो व्रत है यह भगवान कार्तिकेय जी को भी समर्पित है। वह कैसे? यह वजह है कि इस पर्व को स्कंद षष्ठी भी कहा जाता है। इस दिन कई जगहों पर भगवान कार्तिकेय की पूजा और व्रत किया जाता है। घर में लोग विधि पूर्वक व्रत रखकर भगवान कार्तिकेय की पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर मंदिर जाकर शिव जी का ध्यान किया जाता है। मंदिर जाने के बाद शिवलिंग की जो है वो पूजा की जाती है। शिवलिंग पर दूध और गंगा जल चढ़ाया जाता है। इसके बाद फूल, अबीर, बेलपत्र चढ़ाते हैं और देसी खांड का भोग लगाकर
बांटा जाता है। चंपा षष्ठी जो के दिन हम चंपा के फूलों से भगवान कार्तिकेय जी की पूजा भी करते हैं। इस दिन सुबह जल्दी स्नान करके व्रत और पूजा का संकल्प किया जाता है, फिर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह कर कर भगवान कार्तिकेय जी की पूजा की जाती है। उन्हें घी दही और जल से अघर्य दिया जाता है। इसके बाद भगवान कार्तिकेय को फूल चढ़ाए जाते हैं। खास तौर पर इस दिन भगवान कार्तिकेय को चंपा के फूल जरूर चढ़ाए जाते हैं। फिर रात्रि में भूमि पर शयन करने का भी परंपरा है। फिर इस दिन तेल का सेवन लोग नहीं करते हैं, जो व्रत रखते हैं वो तेल का सेवन नहीं करते हैं और अगले दिन तक ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव की पूजा और व्रत करने से जो व्यक्ति के जितने भी पाप होते हैं वह खत्म हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इसके साथ ही परेशानियां भी दूर होती हैं, सुख शांति मिलती है और मोक्ष प्राप्ति होती है। माना जाता है कि चंपा षष्ठी व्रत से प्रसन्नता बनी रहती है, घर में हमारे घरों में प्रसन्नता बनी रहती है। ऐसी मान्यता है कि यह व्रत करने से पिछले जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन सुखमय हो जाता है। भगवान कार्तिकेय मंगल ग्रह के स्वामी हैं। मंगल को मजबूत करने के लिए इस दिन भगवान कार्तिकेय का व्रत रखना। यह जानते हैं कि इस दिन पूजा किस तरह से करना चाहिए, तो सबसे पहले तो जल और बेलपत्र से शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। इस दिन गाय के घी से का दीपक बनाना चाहिए और वही हमको चलाना चाहिए। पूजा में इत्र, अबीर और अन्य सुगंध का प्रयोग जरूर करना चाहिए। सुगंधित चीज़ों का प्रयोग हमें करना चाहिए। दिन में दान तगर के फूलों का होना चाहिए और मुख्य फूल प्रसाद लाल रंग का गुलाब है। इस दिन शक्कर का भोग या प्रसाद जरूर बनाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि अगर हमारी कुंडली में ग्रह दोष रहते हैं तो उनसे राहत पाने के लिए तिल के तेल के 9 दीपक जलाने चाहिए। शिव मंदिर में कार्तिकेय के नीले रंग का वस्त्र या वस्त्र अर्पित, नीले रंग के वस्त्र हमको कार्तिकेय जी के नाम से अर्पित करना चाहिए। समाज में आपका इससे जो है वह कद बढ़ेगा। इस दिन गरीब लोगों को बैंगन और बाजरा भी दान करना चाहिए। शत्रु संबंधित परेशानियां इससे जो है आपको मुक्ति मिल जाती है। अब हम बात करते हैं चंपा षष्ठी व्रत की कथा क्या है। तो पुराणों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि मणि और मल्ला नाम के दो राक्षस थे, जिन्होंने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और काफ़ी समय बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें जो उनके तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया। तो उन्होंने मल्ल और मणि ने इसका गलत, जो वो तो राक्षस थे तो उन्होंने उसका गलत फ़ायदा उठाया और पूरी पृथ्वी और जो स्वर्ग लोक है उनकी शांतिपूर्वक जीवन को उन्होंने अस्त व्यस्त करके रख दिया। देवताओं और मनुष्यों का जो है उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया था। मणिचूर्ण पर्वत कई संतों के निवास पर राक्षसों ने कब्जा कर लिया। ऋषि और देवता शिव के पास पहुँचे। शिव जी ने मणि और मल्ल से लड़ने के लिए अपने जटाबंद के कई जो लेफ्टिनेंट थे उन्हें निकाले और चले गए मणिचूर्ण पर्वत पर। उन्होंने स्वयं भैरव शिव का भयानक रूप और पार्वती ने मल्हासा का रूप धारण कर लिया। कई क्षेत्रों में मल्हासा को मोहिनी और पार्वती का अवतार माना गया है। मार्गशीर्ष के पहले दिन युद्ध शुरू हुआ। मणि और मल्ला ने 6 दिनों तक जो है कड़ा संघर्ष किया। अंत में वे शिवजी के चरणों में गिर पड़े और वे मारे गए। यह मार्गशीर्ष के 6 दिन हुआ और चंपा षष्ठी के रूप में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि राक्षसों को हराने के बाद भगवान शिव ने स्वयंभू लिंगम के रूप में यहाँ रहने का फैसला किया। हम जानते हैं चंपा षष्ठी पूजा में हमें कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। तो इस दिन जपा जाने वाला मंत्र जो है वो है ओम मार्कंडाय मल्लहारी नमो नमः। एक बार मैं फिर से बताती हूँ, ओम मार्कंडाय मल्लहारी नमो नमः। किसी भी शिव मंदिर में 108 बार जाप करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही इस दिन शिवलिंग पर जल
अर्पण के बाद जल अर्पण करते हैं, दूध अर्पण करने और जो है गंगा जल अर्पण करने के बाद हमें बैगन बैगन और बाजरा भी जरूर चढ़ाना चाहिए। इसी कारण से इस दिन को बैगन छठ भी माना जाता है। कई जगहों पर इसे बैगन छठ भी कहा जाता है और इसी के रूप में मनाया जाता है। यह व्रत जो है खास तौर से महाराष्ट्र में मनाया जाता है, बहुत ही धूमधाम से इसको मनाया जाता है। चंपा षष्ठी व्रत भी 6 दिवसीय मनाया जाता है। 6 दिवसीय पूजा और अर्चना और उपवास रखा जाता है। महाराष्ट्रियन समाज ने बताया है कि जिस तरह से चैत्र नवरात्र या शारदीय नवरात्र मनाया जाता है, उसी तरह से महाराष्ट्र में यह चंपा षष्ठी का व्रत मनाया जाता है। घरों में लोग जो है इनकी प्रतिमाएं की प्रतिमा की स्थापना करते हैं और आराधना करते हैं। कई जगहों पे लोग सोने और चांदी के पतरे पर प्रतिमाओं को गुदवाकर फिर उसकी पूजा अर्चना करते हैं। प्रदेश में इंदौर, खंडवा, बुरहानपुर के अलावा महाराष्ट्र में इसे काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं। शोभा यात्राएं भी निकाली जाती हैं और इस दिन मल्लहारी कवच का पाठ भी किया जाता है। हल्दी उड़ाने का भी विशेष महत्व है। मल्लहार मार्कंडे की मंत्रोच्चार के बीच अभिषेक कर पूजन की जाती है। इसमें कलश स्थापना के साथ हल्दी व सूखे नारियल का विशेष भोग भी लगाया जाता है। प्रतिमा पर पर्व के दौरान परंपरागत रूप से पूजा के समय हल्दी उड़ाई जाती है, रंगोली भी सजाई जाती है। चंपा षष्ठी पर पूरनपुड़ी मतलब मीठी रोटियां जो बनती हैं, कई जगहों पे मीठी रोटी बोलते हैं, कई जगहों पे पूरनपुड़ी बोला जाता है, तो इस दिन पूरनपुड़ी व बैगन का भरता चढ़ाकर आरती की जाती है। बाद में आराध्य देव से सुख संपत्ति के लिए प्रार्थना की जाती है। तो फ्रेंड्स, यह थी चंपा षष्ठी व्रत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आज विशेष रूप से मनाया जाएगा। तो अगर आपको जो मैंने आपको जो भी जानकारियाँ दी हुई हैं अगर आपको अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स में और फैमिली मेम्बर्स में। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, उसको रेड से ग्रे कर दीजिए, जिससे आपको हमारे जो भी नए नए वीडियोस आने वाले हैं उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आप जो है अगर आपको मतलब ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। जो भी क्वेरीज़ आपके मन में चल रही हैं उससे उसके लिए आप हमें कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा वो सभी। तो चलिए, मैं आज का अपना ब्लॉग यहाँ पर ही एंड करूँगी या वीडियो को अपना मैं एंड करती हूँ। अब मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।